जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटर। और गाइस फाइनली कोलकाता में फर्स्ट टाइम बजाज का कोई प्रोडक्ट फर्स्ट लॉन्च हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में कोलकाता में फर्स्ट लॉन्च हुआ है और ये जो प्रोडक्ट है एकदम बजाज की तरफ से एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। 2022 बजाज पल्सर N160। और आज इसका थोड़ा बहुत आपको लुक दिखाऊंगा। इसका लाइव वीडियो जो है ऑलरेडी आप लोग हो सकते हैं देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो ये वीडियो जो है आज ही आने वाला है। मैं अभी हूँ कोलकाता में ITC रॉयल बंगाल में और चलिए इसका फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। और बाकी इसका डिटेल वॉक अराउंड बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिल जाएगा। फुल डिटेल वॉक अराउंड आपको प्राइस के साथ कितना वेरिएंट आ रहा है, बाकी कितना प्राइस है, सब कुछ डिटेल वॉक अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द चैनल पे। आज का जो वीडियो है इसका फर्स्ट लुक है, तो फर्स्ट लुक एक बार फटाफट आपको दिखाते हैं। चलिए ओके। सो गाइस दिस इज़ द ब्रांड न्यू पल्सर N160, वो भी बजाज की तरफ से ब्रांड न्यू इंजन के साथ, ब्रांड न्यू लुक्स के साथ। और सबसे बड़ा यूनिक चीज़ जो है, सबसे बड़ा खासियत जो है ये बाइक में, इंजन और कुछ छोटे मोटे चीज़ छोड़ के पूरा बाइक जो है एकदम पल्सर N250 की तरफ ही है। मतलब N250 में जो टायर मिलता है, N250 में जो डिज़ाइन मिलता है, जो सीट मिलता है, जो फीचर्स वगैरह मिलता है, सब कुछ आपको एक 160cc में मिल रहा है। ये मतलब ये सब छोड़ के भी इसमें आपको N250 से भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें आपको मिल रहा है, तो आगे आपको मैं इस वीडियो के दौरान आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं बाइक का की दिखा देता हूँ। सो की कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल की दी गई है, कोई भी वेब की वगैरह यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है अभी फ़िलहाल। एक बार इग्निशन को करते ऑन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये जो मॉडल आप देख पा रहे हो इसमें इग्निशन ऑन करने से कोई भी DRL तो अभी तक ऑन नहीं हुआ है। तो मैं जो डिटेल वॉक अराउंड जिस वेरिएंट में बनाऊंगा आई गेस उसमें इग्निशन ऑन करने से इसका DRL पोर्शन जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। ये एक्चुअली डेमो बाइक है या फिर ये जो अब मतलब अभी जो लॉन्च हुआ है ये लॉन्चिंग का बाइक है, हो सकता है इसलिए इसमें जो है आप DRL ऑन नहीं देख पा रहे हो। लेकिन बाइक स्टार्ट करने के बाद इसका DRL जो है प्रॉपर ऑन हो जाता है। तो एक बार वो भी आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देते हैं। सो आप देख पा रहे हो ऑल LED प्रोजेक्टर दी गई है जो आपको N250 में भी मिलता है। और LED DRL के साथ इंडिकेटर जो है आपको ब्रांड न्यू डिज़ाइन के साथ बल्ब इंडिकेटर दी गई है। ओके अभी फ़िलहाल के लिए इग्निशन को करते हैं बंद। कलर स्कीम जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम मेटालिक ब्लैक कलर स्कीम इसमें यूज़ की गई है। और ये जो स्टिकरिंग वगैरह देख पा रहे हो एकदम ब्रांड न्यू स्टिकरिंग मेटालिक ग्रे कलर में यहाँ पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। और ये जो कलर आप देख पा रहे हो आई गेस ये मेटालिक ब्लैक कलर है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब लाइट है ना तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना दूर मेरे को लग रहा है ये मेटालिक ब्लैक कलर ही है। और बाइक का लुक्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही मोटा, बहुत ही चंकी सस्पेंशन दी गई है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वो भी 37mm का, जो आपको एप या फिर N250 में भी देखने को मिलता है वही सस्पेंशन यहाँ पे दी गई है। मडगार्ड जो है डबल पीस मडगार्ड है यहाँ पे, सिलेंडर आप देख पा रहे हो। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा वो है यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है गाइस, जो पल्सर F250 में या फिर N250 में नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है ग्रीमिका कैलिबर के साथ। आई गेस दिस इज़ 300mm डिस, वो सब आपको प्रॉपर आपको इसका जब डिटेल वॉक अराउंड करूँगा मैं आपको दिखा दूँगा। सेम टायर मिलता है 100 सेक्शन का आई गेस यहाँ पे टायर सेक्शन, हाँ 100x80/17 का आपको सेम टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर। और टैंक का पोर्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पल्सर का पूरा क्रोम में लोगो दी गई है, 3D लोगो है। USB चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और माइलेज वगैरह जो है इसका मैं बाद में बताऊँगा। बाकी ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो टैंक काउल जो है वो भी एकदम सेम है, ब्रांड न्यू 160cc का इंजन है। सो जिसमें लगभग 16 PS का पावर जनरेट करता है इंजन। टॉर्क ठीक से मेरे को याद नहीं, इसका जब डिटेल वॉक अराउंड आएगा आपको मैं बता दूंगा। ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ ब्रांड न्यू इंजन मिलता है 160cc का। और आई गेस दिस इज़ ऑयल कूल, हाँ दिस इज़ अ ऑयल कूल इंजन, यहाँ पे ऑयल कूलिंग सिस्टम आप देख पा रहे हो। बाकी 5-speed गियरबॉक्स है, साइड स्टैंड इंजन, कट ऑफ सेंसर है, मिरर स्टैंड है, बजाज का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सीट वही आपको जेल सीट काइंड ऑफ यहाँ पे आपको यूज़ की गई है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है।
और बहुत स्पेसियस भी है। पीछे टेल लाइट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बल्ब टर्न इंडिकेटर के साथ टायर हैगर भी दी गई है। और पीछे का जो टायर है वो भी काफ़ी मोटा है, लाइक 160 cc वाइज काफ़ी मोटा है, 130/70/17। और रियर में भी आपको ABS मिलता है, ड्यूल चैनल ABS है स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको दी गई। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बॉक्स कटिंग स्विंग अप देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट इसमें आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट दी गई है, लेकिन पल्सर 250 में जो है आपको कैटकॉन एग्जॉस्ट दी गई थी, इसमें आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलता है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर दी गई है, विच इज़ एडजस्टेबल। इन 160 का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रहा होगा, स्प्लिट ग्रैब ग्रिल के साथ और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो एक बार करते इग्निशन को ऑन, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है, जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT, ट्रिप वन ट्रिप टू, सर्विस रिमाइंडर वगैरह यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा देगा। बाकी ऑयल चेक लाइट, साइड स्टैंड वगैरह जो है यहाँ पे शो कर रहा है। बेजल लेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये जो स्विच गियर पैनल वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे यूज़ की गई है। और एक चीज़, क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है, लेकिन क्लच जो है भाई साहब बहुत लाइट क्लच है। तो इसका ज़्यादा मैं डिटेल में आज वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस एक फर्स्ट लुक, फर्स्ट एक आपको लुक दिखाने का फुल कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को दिखा वो है इस गाड़ी का बैटरी, आई गेस यहाँ पे एक नया फीचर्स मिल रहा है, वो है आई गेस यहाँ पे DRL एंड अब प्रोजेक्टर जो ऑन ऑफ कर सकते हो, आई गेस जो इसका जो मेन बाइक होगा उसमें आपको दिखा दूंगा। अभी एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं। सो ये नया प्रोडक्ट बजाज की तरफ से N160 आपको कैसा लगा अब जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं इसका फुल डिटेल वॉकअराउंड के साथ। सो गाइस, मिलते हैं इसका फुल डिटेल वॉकअराउंड के साथ, तब तक के लिए आप लोग गाइस सेफ रहे, टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत जल्द इसका फुल डिटेल वॉकअराउंड भी आने वाला है और ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए राइड रिव्यू भी लाने के लिए। मिलते हैं इसका एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।